और अब से 14 दिन के बाद नए साल का आगाज हो जाएगा। वो साल जो देश की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव देश की आने वाली राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं, जिसे 2024 के चुनावी मिशन की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। बीजेपी ने 2024 में 400 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा है, लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन होगा? वो कौन से समीकरण हैं, वो कौन से वोटर्स हैं जो बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिला सकते हैं? एबीपी न्यूज की कई टीमों ने देश के अलग अलग शहरों से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। 24 से चुनावी गुणा गणित के हर समीकरण का सामने रखती इस रिपोर्ट को आप गौर से देखिए, फिर बात करते हैं। मुमकिन है, हर बार मुमकिन है। 14 में मुमकिन हुआ, 19 में मुमकिन हुआ, क्या 24 में भी मुमकिन होगा? मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये आज देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब इस बात से सहमत हो चुके। पीएम मोदी कहते हैं फिर सत्ता में आएंगे, बीजेपी के नेता कहते हैं 400 से ज्यादा सीटें लाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा? क्या वाकई बीजेपी लोकसभा चुनाव में इतिहास बनाने वाली है? बीजेपी 400 प्लस सीट जीतना क्यों कंफर्म मान रही है? 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीत को लेकर पीएम मोदी क्यों कॉन्फिडेंट हैं? वो वोटर कौन है जो नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जनादेश के बाद तीसरी बार देश की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान करवा सकते हैं? जानना चाहते हैं तो पीएम मोदी की उस बात को गौर से सुनिए जो उन्होंने सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर कही। आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है, लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है। आप सभी जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। जी हाँ, ये गारंटी ही है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, जिसने पिछले कुछ वक्त के दौरान बीजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री बनने के 5 महीने बाद देश में हर घर शौचालय स्कीम की शुरुआत की गई। मोदी सरकार की ये पहली महत्वाकांक्षी योजना थी जिसने आम आदमी की जिंदगी बदलने में अहम रोल निभाया। इसके बाद जनधन योजना, आदर्श ग्राम योजना, स्टार्टअप इंडिया, ग्राम ज्योति योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना और पीएम आवास योजना जैसी तमाम स्कीमें लागू की गई। इन योजनाओं के जरिए समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को साधा गया जो अब बीजेपी के लिए सबसे विश्वसनीय वोटर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं। पीएम जनधन योजना के तहत 50 करोड़ 56 लाख लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 40 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब बांटे जा चुके हैं। मुद्रा योजना में
34,93,00,000 लोगों को लोन मिला। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 34,18,00,000 से ज्यादा लोगों ने बीमा लिया। पीएम आवास योजना के तहत 2,94,00,000 से ज्यादा घर बने। पीएम उज्ज्वला योजना में 9,58,00,000 से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन मिला। अटल योजना में 5,00,00,000 से ज्यादा लाभार्थी हो चुके हैं। इसके अलावा 9 साल के दौरान सरकार ने आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की। इन्हीं में केंद्र की मुफ्त राशन योजना भी है, जिसे हाल ही में 2028 तक बढ़ा दिया गया है। फ्री राशन स्कीम से देश की 80 करोड़ आबादी सीधे तौर पर जुड़ी है। इन योजनाओं ने आम आदमी की जिंदगी कितनी बदली, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने देश के अलग अलग इलाकों का रुख किया। सबसे पहले प्रयागराज चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस बस्ती के बारे में कभी भी किसी ने सोचा नहीं, और उनके आने से जो भी उनकी योजनाएं हैं, यहाँ की महिलाओं को आज तक ना गैस ना चूल्हा कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके आने से हर घर में, काफ़ी घर में गैस चूल्हा ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही है। कई लोगों ने 10,000 लोन भी लिया जो बिना ब्याज पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारी सुविधाएं जो उनके तरफ से मिल रही है वो मिलती रहे। भैया पहले मैं बहुत परेशानी से खाना बनाती थी, क्योंकि पहले लकड़ी में बनाया, फिर अंगीठी खरीदती थी, कोयला खरीदती थी, और मेरे को सांस की भी तकलीफ है, उससे भी परेशान रहती थी। पर फिर मोदी जी की योजना के द्वारा पता चला कि ये मिल रहा है, ये मिल गया, बहुत बहुत उनको धन्यवाद उन्होंने दिया हम लोगों को। जैसे गरीबों लोगों के लिए तो 10,000 बहुत मायने रखते हैं। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमको इस योजना का लाभ मिला है, उनके तहत हम अपना काम शुरू कर पा रहे हैं। प्रयागराज में ऐसे कई परिवार मिले जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा ही किस्सा मुरादाबाद का भी है। घर इफ्तिखार का है, जिनका परिवार पहले बेहद मुफलिसी में किराए के मकान में घुसर बसर कर रहा था, लेकिन अब पीएम आवास योजना से मिला मकान है, उज्ज्वला योजना से मिला गैस चूल्हा है, और खाने के लिए राशन कार्ड से मुफ्त राशन हर महीने मिल जाता है। तीन योजनाओं का प्रधानमंत्री जी की आपको लाभ मिल रहा है, और क्या कहना चाहती हैं प्रधानमंत्री जी से? हमें कार्ड टोर का उसका योजना मिले, जो कार्ड बनना है उस्मान कार्ड उसकी और मिले, हमें तीन की तो मिल चुकी है और मिल रही है, हमें इनकी बहुत एहसान है उनका। अफरोज जी, आप तीन तीन योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, चौथी योजना जो आयुष्मान कार्ड वाली है, आप चाहती हैं कि वो भी बने, तो वो नहीं बन पाया आपका? नहीं, वो नहीं बन पा रहा। अच्छा, क्या वजह है? वजह ये है कि 6 लोगों का नाम था, एक लड़के बच्चे का नाम कट गया, लड़की की शादी हो गई ना, यूँ नहीं बन रही वो। अच्छा, बेटी की शादी कर दी तो इसलिए 5 लोग रह गए परिवार में, इसलिए नहीं बन पा रहा है? हाँ, इसीलिए नहीं बन पा रहा। हम ये चाह रहे हैं कि वो हमारा उस्मान कार्ड बने, जो हम वो हो जाए। प्रधानमंत्री जी की आवास योजना का लाभ मिला है, घर अपना हो गया है, कितनी खुशी होती है, और क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अपना घर तो अपने घर होता है, किराए के घर में तो जैसी भी ज़िंदगी काटी हमने काटी, हमने जो बसर करी, मेहनत करी, पैसे वैसे जोड़े, हमने जगह ली, या हमें पता चला कि मोदी जी की तरफ से ये कॉलोनियाँ मिल रही हैं, तो हमने फार्म भरा, फार्म भर के हमने जब हमें देखा तो हमें ये लाभ मिल गई। बात है कि हमारे बस एक माचिस की तिल्ली लगा और हमने रोटी भी, चाय भी, सब्जी भी, जो भी मतलब मन करा वही बना लिया। सियासी लिहाज से 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। जाहिर है लाभार्थियों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि योजनाओं का लाभ उठा रहे लोग क्या पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता के शिखर तक पहुँचाएंगे? हमारा जो है का गवर्नमेंट ने मकान बनवाया है, हम अपना वोट उन्हीं को देंगे। आपका वोट बीजेपी को ही जाए? जी जी। प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमारा आवास बनवाया। कैमरा सामने था, लिहाजा जिससे भी बात की गई सभी ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया, लेकिन बीजेपी का 400 प्लस का टारगेट है, लिहाजा वो कोई चांस लेना नहीं चाहती। जानना चाहते हैं कैसे, तो सुनिए। बीजेपी ने 300 कॉल सेंटर तैयार किए हैं। यूपी के हर जिले में एक कॉल सेंटर बनाया गया है। इन सेंटर्स के जरिए 80 करोड़ लाभार्थियों तक संपर्क साधने की तैयारी है। इसके साथ ही 7 करोड़ लोगों को लाभार्थियों की लिस्ट में जोड़ने की तैयारी है। इसके अलावा बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है, जिसे देश में शुरू किया जा चुका है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। ये हमारी ही सरकार है
जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार केंद्र की सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात कर चुके हैं। इसे लेकर भोपाल के लाभार्थी क्या कहते हैं, अब बारी ये जानने की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में कर दिया है। इसी बीच में हम लाभार्थियों के पास मौजूद हैं। कागड़ा गांव में जटाल सिंह है, ये विकलांग है। ये कभी इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं प्रधानमंत्री आवास बना पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, पूरा परिवार इनका विकलांग है। इनको केंद्र की तमाम जो योजनाएं चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम सीधे इनसे बात करेंगे। जटाल सिंह जी, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? साहब खूब धन्यवाद उनको बार बार देता हूँ मैं। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैंने मकान बन जाएगा या कोई योजना मिल जाएगी। विकलांग योजना भी मिल रही, पैसा मकान भी बन गया। अच्छा, मकान बन गया आपका ना जी? कभी सोचा नहीं था आपने? कभी सोचा थे नहीं था। कोटी बनी है ना? कोटी बनी है। गरीबी हटाओ नारा देना एक बात है, लेकिन एक गरीब कहता है कि मेरे घर में गैस का चूल्हा आते ही गरीबी और अमीरी का भेद खत्म हो गया। जब वो कहता है कि मैं पक्के घर में रहने गया तो मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मेरे बच्चे सम्मान के साथ स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने खड़े रहने लगे। जब उस लाभार्थी के मुंह से सुनते हैं ना, तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्य हो गया, किसी की जिंदगी में बदलाव आ गया। 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के पीछे लाभार्थी वोटर माने जा रहे हैं। सवाल ये है कि लाभार्थियों के जरिए बीजेपी कैसे ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकती है, इसे उत्तर प्रदेश से समझा जा सकता है। यूपी की 20 करोड़ आबादी में करीब 15 करोड़ वोटर हैं। माना जाता है कि इनमें से 13 करोड़ केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं। 2022 में यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे लाभार्थियों को ही माना जा रहा था, लेकिन क्या यही फॉर्मूला 2024 में भी बरकरार रहेगा? 24 के चुनाव में लाभार्थियों की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, राजनीति के जानकार बताएंगे। केंद्र सरकार ने एक नई जाति तैयार की। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला कि 4 तरह की जातियां देश में, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक 5वीं जाति और तैयार की है, वो है लाभार्थी की जाति। और केंद्र सरकार के पिछले 9.5 साल की योजनाओं ने एक बड़ा 28 करोड़ के करीब करीब ऐसा एक फिगर है जहां एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इस लाभार्थी की जो वर्ग है, इससे बड़ी जाति कोई नहीं है। और इस जाति का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जाहिर है कि 2024 के जब चुनाव होंगे तो ये जो वर्ग है जिसे केंद्र सरकार की नीतियों से कुछ मिला है, वो उसका हिसाब चुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को शायद वोट दे। दिल्ली की सत्ता पर हैट्रिक के लिए लाभार्थी कितने लाभदायक होंगे, ये तो चंद महीने बाद ही पता चलेगा। लेकिन 400 प्लस के टारगेट पर काम कर रही बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है। 2014 और 2019 में बीजेपी को भले ही ऐतिहासिक जनादेश मिला हो, लेकिन देश के कई बड़े राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। बीजेपी कश्मीर से लेकर बिहार तक उत्तर भारत की सभी लोकसभा सीटें जीत भी जाती है तो उसको 245 सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसा चमत्कार संभव नहीं। बीजेपी को 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उत्तर के साथ दक्षिण में भी जबरदस्त सेंध लगानी पड़ेगी। 400 का आंकड़ा पार करना है तो बीजेपी को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी 10-10 सीटों की जरूरत होगी, लेकिन ये आसान टास्क नहीं है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुल 118 सीटें हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं जो तेलंगाना में मिली थी। 2019 में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस के साथ चुनावी समझौता है। समझौते के तहत 4 सीटें जेडीएस को देनी होंगी, यानी बीजेपी को पूरा दमखम अपने खाते की 24 सीटों पर दिखाना होगा, जो आसान नहीं है क्योंकि कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। ठीक इसी तरह देश के पूर्वी छोर पर भी बीजेपी के पास मौके कम, चुनौतियां ज्यादा हैं। मसलन बीजेपी के पास ओडिशा में
केवल 8 लोकसभा सांसद हैं। बंगाल में भी बीजेपी को अपने पुराने रिकॉर्ड 19 सीटों से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। पूर्वोत्तर के राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटों में से अभी तक बीजेपी 11 सीटों पर काबिज है। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को सभी 25 सीटें जीतनी होंगी। इसके अलावा बीजेपी को खुद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीटों को विपक्ष के हाथों में जाने से बचाना होगा। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। अगर 2024 के चुनाव में वो अपनी 10% सीटें भी बढ़ा लेती है तो माना जाएगा कि मोदी मैजिक चल चुका। लेकिन इसके लिए उसे कर्नाटक के अलावे दक्षिण भारत राज्यों में 70 सीटें जीतनी होंगी। ये कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, लेकिन इसका संबंध कहीं ना कहीं देश के दक्षिण से भी जुड़ता है। वाराणसी में रोड शो के अलावा पीएम मोदी ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन भी किया। ये लगातार दूसरा साल है जब काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। अब सवाल ये है कि इन सब का 24 के चुनाव से क्या लेना है। जवाब ऐसे समझिए, चुनावी लिहाज से तमिलनाडु दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को दक्षिण भारत से लोकसभा की करीब 30 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें अकेले कर्नाटक से 25 सीटें मिली थी। बीजेपी इस बार भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है, इसलिए तमिलनाडु पर फोकस कर रही है। साथ ही 2 जनवरी 2024 को पीएम मोदी का केरल में मेगा शो होना है, जिसमें अलग अलग राज्यों से 2,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। जाहिर है 24 की चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, लेकिन 400 प्लस का आंकड़ा पार होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। इतना जरूर है कि उत्तर भारत के 3 राज्यों में सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को साधने के लिए मिशन मोड में आ चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।